थैंक यू सर, शुक्रिया। ठीक है जी साहब जी। यशवंत राज जी, यतीम और गरीब लड़कियों की मुफ्त पढ़ाई के लिए हमने एक संस्था खोली है। मैं चाहता हूं कि उसका शुभारंभ आप अपने हाथों से करें। यह तो बहुत नेक काम है श्यामाचरण जी, लेकिन मेरी एक राय है जी। ये बच्चियों की संस्था है, इसलिए ये शुभ काम आप मुझसे नहीं, मेरी बेटी अमृता के हाथों से करवाई। ओहो भाई, किशन सिंह की बेटी की बात कर रहे हैं। हाँ, पैदा वो जरूर मेरे सबसे प्यारे दोस्त किशन सिंह के घर हुई थी। 2 साल की थी तब से पाल पोस कर बड़ा तो मैंने ही किया। यार वीरभद्र,
जब से तुम मंत्री बने हो ईमानदारी की तरह गायब ही हो गए हो। अरे क्या करें यशवंत, हम मंत्रियों को प्रदेश में कम दिल्ली में ज्यादा हाजिरी देनी होती है अगर मंत्री बने रहना है तो। अरे छितर मारो ऐसी मंत्रीगिरी को जिसमें दोस्तों से मिलने की फुर्सत भी ना मिले आदमी को। अरे आता तो हो ना तुमसे मिलने के लिए और अपनी अमृता बिटिया के हाथ का बना नाश्ता खाने के लिए। बाबूजी चोरी नहीं बेटी, ये रहा आपका नाश्ता। अरे ये मंत्री है तो इसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। और छितर मारो इस पब्लिक के लिए घास फूस, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। चले जाइए, मेरे पास भी डॉक्टर का एफिडेविट है। इसके अलावा आपको और कुछ भी खाना बिल्कुल मना है, समझे आप? हाँ। यार यशवंत मेरे मन में एक बात है, कहो तो सांझी कर लूं। अरे कहो ना, दोस्त किस लिए होते हैं। मैं सोच रहा था तेरी बेटी अमृता और मेरे बेटे राहुल की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। सब जानते हैं अपने स्वर्गीय दोस्त किशन सिंह की बेटी को तूने कितने प्यार से पाला है। अब वो 20 की हो गई है, उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। अब एक दिन तू उसके हाथ पीले करेगा ही ना। मैं सच कहता हूँ वो राहुल के साथ बहुत सुखी रहेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं करता हूँ फोन आपको। नमस्कार। नमस्ते तिवारी जी, बच्चों ने नाश्ता वाश्ता किया? जी। जीतू वर्षा मौसी जस्सी इधर आ सबके सब। जी मैडम। जी बिटिया। हाँ दीदी। ये पकड़ो और ये चाबी संभालो तुम ही लोग। क्यों बिटिया, क्या हुआ? बाबूजी मुझे घर से निकाल रहे हैं। क्या बात कर रही हो, मैंने ऐसा कब कहा? क्यों मेरी शादी की नहीं सोच रहे आप? हाँ सोच तो रहा हूँ, बाप हूँ आखिर। बाबूजी अगर मैं इस घर से चली गई तो कौन रखेगा आपका ख्याल? एक दिन तो मेरे बिना रह नहीं सकते, बड़ी शादी करेंगे मेरी। देखो बेटी शादी तो हर लड़की को करनी पड़ती है, दुनिया का यही दस्तूर है। ओके तो मेरी भी कर दीजिए, पर मेरी एक शर्त है। क्या? मेरे दहेज में मुझे बोल बोल क्या चाहिए। आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरी ससुराल। बोलिए मंजूर है? Then I have no problem. Otherwise, it's your problem. पागल लड़की, ऐसा भी कभी होता है। साहब जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अगर आप चाहें ना तो अमृता बिटिया शादी के बाद भी आपके पास रह सकती है। दिमाग खराब हो गया है तेरा, मुझे लड़की का घर बसाना है। छितर मारो घर जमाई बनाकर गुलाम नहीं लाना है मुझे। आप समझे नहीं साहब जी, मैं छोटे साहब रणदीप की बात कर रहा हूं। रणदीप गोपाल बात तो तुम सही कह रहे हो, पर बरखुरदार ने कभी मेरा कहना माना है जो अब मान जाएंगे? क्या सोचकर उसे बाहर पढ़ने भेजा था, लेकिन वो तो कभी वापस आने का नाम ही नहीं लेता। जब भी मिलना होता है मुझे ही जाना पड़ता है। ओ साहब जी आप एक बार शादी तो हो जाने दीजिए, आप देखना अमृता बिटिया कैसे उसे समझा बुझाकर इंडिया वापस ले आएगी। साहब जी आप किसी तरह एक बार उसे यहाँ बुला लीजिए बस। वैसे साहब जी उन्होंने आपकी शक्ल तो देखी नहीं है, वो तो सिर्फ आवाज ही सुनेंगे आपकी। ओए तू नहीं समझता गोपाल, मैंने रामलीला खेली है। पता है जी हनुमान बनते थे। करेक्ट, जब तक नीचे पूछ नहीं लगा लेता था ऊपर से डायलॉग ठीक से ही नहीं निकलता था। ऐ राम तुम्हारे कहने से मैं लंकापुर को जाता हूँ। साहब जी लंकापुर मत जाओ, कनाडा मिल गया। हाय डैड हाउ आर यू? ठीक ही हूँ बेटा जब तक हूँ। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, कह रहे हैं जिंदगी के जो जरूरी काम है फौरन कर लो, पता नहीं कब। बेटा हो सके तो आ जा, क्योंकि करोड़ों की जायदाद पता नहीं कौन। हाँ तू आ जा इधर, सब अपने आप ओके हो जाएगा। आई नो डैड, आ रहा हूँ मैं। आ रहा है? अच्छा साहब जी। अरे आ रहा है तो आप ही रजाइयों से बाहर आ जाओ। अमृता बाबूजी ये क्या है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटी ऐसे ही मजाक कर रहा था वो। मजाक? तबीयत एकदम टंच है। और देखो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं दहेज बनकर तेरे साथ तेरे ससुराल में रहूंगा। अब तू शादी के लिए मना नहीं कर सकती। चलिए आप तैयार हैं तो मुझे भी मंजूर है,
मगर पहले ऐसा लड़का तो ढूंढिए जो आपको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो। ढूंढ लिया। अच्छा? लड़का भी ढूंढ लिया, खानदान भी ढूंढ लिया, बाप को भी मना लिया, तस्वीर भी मंगवा ली। बाबूजी, क्या हुआ बेटे? बेटे आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं अपने बेटे रणदीप के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहा हूं। ना मत करना, मना मत करना। बाबूजी, आपका कहा सिर माथे। मालिक, छोटे सरकार आ गए। आजा पुत्र, आजा, सीने से लग जा। आहा, ठंड पड़ गई। अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। बेटे, मैं तो बुरी तरह से गिरा पड़ा था, आधा तेरे आने की खबर ने ठीक कर दिया, आधा तुझे देखकर ठीक हो गया। Come on, Dad. अंदर आ। ओ, तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। लाओ लाओ, हमें भी खिलाओ। नहीं गोपाल चाचा, ये आपके लिए नहीं, ये वो। अच्छा, तो ले जा फिर। नहीं, आप ही ले जाइए, प्लीज ले जाइए ना, मैं सामान रखवा देती हूँ। पगली कही की शर्मा गई। जिंदगी है मेरी और फैसला करेंगे आप। मैं आपका बेटा हूँ, कोई गुलाम नहीं कि जिसे जिस लड़की से चाहे बांध दे। ओए, इस एक फैसले से जिंदगी समर जाएगी तेरी। अमृता जैसी लड़की दुनिया में दूसरी नहीं है पुत्र। दुनिया देखी का आपने डैड, दुनिया है अमेरिका, दुनिया है कनाडा, और सारी दुनिया का फैसला हम अमेरिका और कनाडा वाले करते हैं, और मेरी जिंदगी का फैसला क्यों आप करेंगे? कहां मैं वेस्ट में रहने वाला आदमी और कहां वो इंडियन देहाती लड़की। इट्स नॉट हैपनिंग, जस्ट नॉट हैपनिंग डैड। तो मत कर शादी, अभी उल्टे पांव लौट जा अपने कनाडा और छितर मारो इस बाप बेटे के रिश्ते को। मैं अपनी अमृता के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, धूमधाम से उसकी शादी करूंगा और उसे बेटा बनाकर घर पर ही रखूंगा। और एक बात याद रखना, मैं अपनी सारी जायदाद भी अमृता के नाम कर दूंगा। ये आप कैसे कर सकते डैड? दिस इज अनफेयर, इलीगल, इमोरल। ओए, ज्यादा अंग्रेजी उड़ान ना भर, नहीं तो ये देसी बाप तेरे पर कतर के रख देगा। मैं तेरा बाप हूं, जो चाहे कर सकता हूं मैं, फेयर। ये मेरी मेहनत से कमाई हुई जायदाद है, मैं इसे जिसे चाहूं दे सकता हूं, लीगल। और वो तीसरा क्या कह रहा था तू, वो मॉरल? ए, ये मॉरल का भाषण मुझे देने से पहले आईने में अपने आप को देख और फिर बता, तूने बेटा होने का एक भी फर्ज निभाया आज तक? बट डैड। ओए बट, छितर मारो बट को, सुबह तक का वक्त देता हूं। तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है तो मंडप पे आ जाना, वरना तुम्हें पता है कनाडा का जहाज कहां से मिलता है। रह लूंगा तेरे बगैर, तुझसे दूर तेरे बगैर रहने की आदत है मुझे। वैसे भी कौन सा सुख दुख में तूने मेरा साथ दिया है, ऐसे 10 साल गुजारे हैं, बाकी के भी गुजार लूंगा। पागल हो गया बुढ़ा, मैं अपनी करोड़ों की जायदाद किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। इस धरती का, इस अंबर का सबसे बड़ा कल्याण करे वो बाबू किस्मत वाला है जो कन्या का दान करे, बेगाने को जो अपना बनाए, लाख दुआएं रब से पाए। उफ, कितनी रस्में हैं यहां पर। आई एम सो टायर्ड, डैम इट। वेस्ट अच्छा है, किसी के साथ रहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी वहां रिश्ते बनते हैं और चलते भी हैं। वो Here comes the phone. Oh yeah. Hi partner. How are you doing? I'm great darling. वैसे मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त अपने हनीमून सूट में हो, उसे छूना नहीं। I know, और कहने की जरूरत नहीं है my sweet. Are you not missing me darling? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही जानू? Of course I am missing you. Me too honey. कम बैक फास्ट रॉनी, तुम तो जानते हो तुम जब मेरे पास नहीं होते तो
तो तुम्हारे लिए मेरी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। और फिर रॉनी, तुम्हें आकर वो क्लब की डील भी तो फाइनल करनी है ना। Did you find that place? हाँ, उस रेडिनेंट को तो पटा लिया है मैंने। जानते हो कितने पैसे मांग रहा है? $2 million। What? $2 million? Yes, small amount for your dad. अब जब तुमने उनकी मर्जी से शादी की है, तो at least $2 million का वेडिंग गिफ्ट तो लेकर आओ। Listen, if I have to sell myself, I'll do that. रखती हूँ। Bye, love. But remember, you're only mine. Bye, Ronnie. $2 million. आप ठीक तो है ना? Yeah, I am all right. I'm very tired. Let me go to sleep. How can she come with me, Dad? कनाडा जा रहे को शिमला नहीं कि बस में बैठे और चल दिए। पासपोर्ट, वीजा, इमिग्रेशन, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं वो लोग। मुझे सब पता है पुत्र, इसीलिए मैंने सब इंतजाम कर दिया है। इसका पासपोर्ट भी रेडी है, वीजा भी रेडी है। दरअसल डैड, पासपोर्ट और वीजा की बात नहीं है, मुझे एक डील के लिए बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना है। आई एम गोइंग वेरी वेरी बिजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड डैड, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी इसे संभालने की वहां। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? इट्स टू मच डैड। अरे कितने मच? 2 million Canadian। हिंदी में बता कितने चाहिए? ये कोई रफली 6 करोड़ रुपए। ओ छितर मारो पैसे को, इतना पैसा तो मैं तुम दोनों पे वार के फेंक दूं। देख, तू जाने से पहले 6 करोड़ का ड्राफ्ट लेके जाएगा। Then no problem, Dad. Dad, you're the best dad in the world. I love you, Dad. I love you, Babuji. I love you too much. Give me a moment. मैं कनाडा फोन करके आता हूँ। बाबूजी, अगर इस वक्त इन पर काम का इतना स्ट्रेस है, तो मैं अभी नहीं जाती ना, कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। नहीं बेटे, तुम अभी जाओगी। देखो, यही वक्त होता है जब पति पत्नी के रिश्ते की नींव पक्की होती है, और फिर जितनी जल्दी तुम जाओगी, उतनी जल्दी उसे समझा बुझा कर वापस इंडिया लाओगी, ताकि हम सब मिलकर एक साथ रह सके। जी। Now you are in Canada, baby. The most gorgeous place in the world. And beautiful. Ah, yeah. Not bad. Hello. Hi. Hi, Simone. Welcome back, Ronnie. Thank you very much. Hi, Amrita. Hello. Welcome to Canada. Thank you. Ronnie, she's very cute, very charming. I must say you're a lucky man. By the way, I'm Simone. मैं जानती हूँ, आप इनकी बिजनेस पार्टनर हैं। ओह नो नो, सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वेलकम होम अमृता, आओ। सुनिए, हम लोग शादी के बाद पहली बार अपने घर आ रहे हैं, हम दोनों को साथ साथ सीधा पैर अंदर रखना चाहिए। कम ऑन अमृता, ये कनाडा है, हिंदुस्तान नहीं। Don't be silly, Amrita. रानी, मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो इनके वेलकम के लिए किसी इंडियन नैनी को बुला लेती। अमृता, यहाँ तो ऐसे मौकों पर शैंपेन की बॉटल्स खुलती हैं और ग्लास थोड़े जाते हैं। Come on, रानी। One minute. कौन सा पैर कहा था? सीधा। मतलब right. Come on. Amrita, this is my palace. Awesome, isn't it? हाँ, जी, बहुत खूबसूरत।
ऐसा लग रहा है जैसे जागती आंखों से सपना देख रही हूँ। अमृता, मैं जरा सिमोन को छोड़ के आता हूँ। जी। वेरी थैंक यू सिमोन। I was missing you very badly, लेकिन एक बात से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बदन से मेरी सांसों की खुशबू अभी तक गई नहीं है। I can make out that you're not dashed her. मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। शाम को क्लब में मिलते हैं। प्यार का और काम का बहुत बैकलॉग हो गया है। बुर्गेन बुजुर्ग, सुन ले अमार दिल का दुरूद। बड़ी मेहनत से जो हमने संभाल कर रखी थी आपकी उम्र है, तो वो नहीं है, क्या करेगा, हो गया बुरा हाल, जुए में गया हार। बुजुर्गो हमारा फितर फितर बाल बाल है उधार, क्या करोगी क्या करोगी बुजुर्गो, कैसे में गोरी गोरी चोरी पीली पीली दारू पिला के हम कुन्नो शेमे हरी हरी सब्जी मंडी दिखाया, अब हमको हमारा फ्यूचर है काला काला, जंगल जंगल कंगल कंगल में बुजुर्गो क्या करोगी क्या करोगी। मे वी कम इन? हेलो मिस्टर ब्लैकफेस। हेलो ब्यूटीफुल पाउडर फेस मैडम सिमोनी। मीट माय बिजनेस पार्टनर मिस्टर रॉनी। नाइस टू मीट यू, यू फ्रॉम इंडिया? हिंदी? ओ आई लाइक टू थिंग्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ मूमा टू ऑफ सिनेमा। अमिताभ बच्चन लबानी डांसिंग ऋतिक रोशनी गोरी गोरी माधुरी काजल प्रीति जिंतानी धर्मेंद्र कौशल सानी गोविंदा वेरी फानी शाहरुख आमिर सलमानी खाता नहीं बिरयानी। ये शाहरुख शाहरुख मोहब्बत कुछ कुछ होता है बाजीगर, ये राम डर 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 तू है मेरी चिमोट। हेलो अमृता बेटी। बाबूजी। अरे वाह, तूने ही फोन उठा लिया। मुझे पता था ये आप ही का फोन है। सुन जी बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ 15-20 दिन के लिए गोपाल को लेकर उत्तर काशी हुआ। बेटी के ब्याह के बाद गंगा जरूर नहा लेना चाहिए ना? वो सब तो ठीक है, पर अपने खाने पीने का ख्याल रखिएगा और अभी दवाइयाँ भी जरूर लेके जाइएगा। अरे छितर मारो दवाइयों को, मैं एकदम टंचू हूँ। हाँ, तू अपना ख्याल रखना। कैसी लगी आपको हमारी तस्वीरें? वेल, तस्वीरें तो तस्वीरें होती हैं, बेजान, और जिंदगी जिंदगी होती है। जी, पर अक्सर यही बेजान तस्वीरें जिंदगी के उन लम्हों में जान फूंक देती हैं, जिन्हें हमने कभी जिया हो। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। रॉनी, वेयर आर यू? वी आर गेटिंग लेट, कम फास्ट। जी, मैं सोच रही थी आपकी ये बिजनेस मीटिंग्स दिन में नहीं हो सकती। इतनी रात हो चुकी है और आप लोग भी तो दिन भर के थके हैं। आई कांट बिलीव दिस, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम्हारा हिंदुस्तान वहीं का वहीं है, और हमारे वेस्ट को देखो कितनी तरक्की कर चुका है। बातें हो रही है भाई, व्हाट इज द डिबेट ऑल अबाउट? कुछ नहीं रॉनी, हम लोग तो यूं ही टाइम पास कर रहे थे। वाओ, लुक एट यू, यू आर लुकिंग हैंडसम। वेल, दिस स्कार्फ रियली सूट्स यू। थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं ठीक कर देती हूँ। बेटर, शुड वी गो? वन मिनट अमृता, मुझे आने में देर होगी, तुम खाना खा लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, Amrita. Sweet dreams. Good night. Come on, let's go. You
Come on, sweetheart. I'll be ready like a rocket. Hey, awesome. सुबह सुबह तैयार हो गई. जल्दी उठ गई थी क्या? जी नहीं, मैं सोई नहीं कल रात. Come on, मेरी तो एक business meeting थी. Why you have to spoil your night? Anyway, सिमोन मैं तैयार होके आता हूँ. You want something to eat? I don't mind some coffee. अमृता, सिमोन के लिए कॉफी. Come fast, Ronnie. We have to reach office. Hello, Amrita. Hello. कैसी कॉफी लेंगी आप? Of course, black without sugar. इतने दिनों से तुम हमारे साथ हो, इतना तो मालूम होना चाहिए तुम्हें मेरे बारे में. मुझे तो बहुत कुछ मालूम चल रहा है आपके बारे में, पर शायद आपको अब तक एक बात समझ में नहीं आई है कि अब रणदीप की शादी हो चुकी है. उसका एक घर है, एक बीवी है जो रात भर उसका इंतजार करती है. ओह, पुअर यू. मुझे मालूम है कि तुम उसकी क्या हो. मुझसे पूछकर ही वो तुम्हें यहाँ लाया है और मेरे एक इशारे पर तुम्हें वापस भेज भी सकता है. इतना हक रखती हूँ मैं तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड पर. एंड नाउ इफ यू डोंट माइंड प्लीज गेट मी माय कॉफी. देखिए सिमोन जी, शादी से पहले आपका किस चीज पर कितना हक था मुझे कोई मतलब नहीं है, पर हाँ, जिस दिन से रणदीप ने मुझसे शादी करके मुझे अपनी पत्नी बनाया है, उस दिन से उन पर और इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है. बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ, ब्लैक एंड नो शुगर. एम आई राइट? बीवी, यू फ्रीकिंग रॉटन वुमन, समझती क्या है अपने आप को? मेरी जमीन पे आकर मुझे ही गाली देगी. यू डोंट नो येट व्हाट इज सिमोन. आई टीच योर लेसन. हैप्पी वेडिंग. बहुत घमंड है ना तुझे अपनी बीवी होने पर. यू डोंट नो हु आई एम. आई टीच योर लेसन नाउ. यू सी सिमोन, ये क्या कर रही हो? स्टॉप इट. ये ले, गो. नहीं, क्या कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिमोन, अमृता, व्हाट्स हैपनिंग? तू ऐसे नहीं मारेगी. हाउ डेयर यू स्लैप मी. आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू अमृता. यस, यू विल पे फॉर इट नाउ. स्टॉप इट. गिव मी द गन. गिव मी द ब्लडी गन. नो, हाउ डेयर शी स्लैप मी. पागल हो गई? थप्पड़ क्यों मारा इसे? पागल ये हो गई है? देखिए इसने क्या किया. एक एक तस्वीर फाड़ दी, शादी की सारी यादें मिटा दी. तस्वीर ही तो है, फिर बन जाएगी. पर ये होती कौन ऐसा करने वाली? देखो ये औरत हमारे रिश्ते को मिटाना चाहती है. इसकी ये बेवजह की दखल मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है. यू पीस ऑफ इंडियन ट्रैश. दखल तूने दिया है हमारी जिंदगी में. चार दिन हुए आए हुए और इस घर की मालकिन बन बैठी तू? हाँ मैं हूँ इस घर की मालकिन. ले जाइए इसे यहाँ से और कह दीजिए कि कभी दोबारा इसकी मनु सूरत दिखाई न दे हमारे घर में. अपनी सूरत देखी है तूने जो मेरी सूरत की बात करने की हिम्मत कर रही है? सिमोन, कम ऑन सिमोन. आई विल किल यू. कम ऑन सिमोन. कूल डाउन सिमोन. प्लीज कम ऑन सिमोन. तू अपनी देखिए अमेरिकन शिट वुमन नाउ. व्हाट विल यू शो मी? प्लीज शी. यू थिंक यू आर राइट अबाउट माय होम एंड मैरिज? लेट मी शो हर. यू आर बैडली मिस्टेकन मैडम. आई डोंट अंडरस्टैंड. क्या है अपने आप को? आई विल डिस्ट्रॉय दिस वुमन रॉनी. आई विल. सिमोन लिसन टू मी. प्लीज कूल डाउन. एक बार डैड का पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए. मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा. और भाड़ में जाए चंबा और उसकी जमीन. To hell with it. I just want to make this woman's life hell. What does she think of herself? Please take it easy. What does she think of herself? इसकी वो हालत कर दूंगी रॉनी कि अपनी मौत की दुआएं मांगेगी. I'm really very sorry, Amrita. जो होना था हो चुका. एक बुरा सपना था खत्म हो गया. एक तूफान था गुजर गया. I'm really very sorry. And I mean it. Please, Amrita, मुझे माफ कर दो.
तुम्हें बाबूजी की कसम। अमृता, मैं वादा करता हूं आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आज से हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, प्यार की एक नई दुनिया। और पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको तैयार होना पड़ेगा। कम ऑन गॉर्जियस। आदमी है चिड़िया? ब्लैक फेस हमारा मैनेजर, रेड इंडियन है ना, इसलिए कपड़े ऐसे पहनते हैं। आओ मिलाते हैं। कौन? ये मामा मोराने, वेलकम तेरा मादामी। ये गुड मॉर्निंग रोनी, ये बात अनोनी। क्या बात है ब्लैक फेस? स्प्रिंग स्प्रिंग खोपड़ी, किधर है वो लोमड़ी सिमोनी मदमी? शट अप, शी इज माय वाइफ अमृता। ओ अमृता, वाइफ अमृता, इंडिया, गुड फेस आइज बरामी। ओ मदमी, आको आको हुआ, आको आको हुआ। ओए ओए, ये क्या? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे तो चंबा के मेले की याद आ गई। द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। रणदीप, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हैं। मुझसे पूछो ना। यस, ही इज वेरी रोमांटिक। तुम यहाँ? हाँ, तुमसे बहुत पहले आ गई थी यहाँ भी और रॉनी की जिंदगी में भी। रणदीप, रणदीप, इसे कोई यहाँ से चली जाए। नो, नोबडी इज गोइंग, कोई नहीं जाएगा। जितने ज्यादा लोग उतना ही मजा। बड़ा ही इमोशनल ब्लैकमेल करके रखा हुआ था तुमने मेरे बाप को। शादी रचानी थी सो रचा ली। एक नाटक मेरे बाप ने किया था हार्ट अटैक का, एक नाटक मैंने किया शादी रचाने का। तो क्या हमारी शादी एक नाटक थी? वो मंत्र, वो फेरे, और ये भी झूठ है? हा? ये दो कौड़ी का ऑर्नामेंट, पता नहीं हिंदुस्तान से कितनी लड़कियां ऐसे काले धागे पहनकर आती हैं और घर के किसी कोने में पड़ी रहती हैं। बर्तन माजती हैं, खाना बनाती हैं, कारपेट साफ करती हैं, फ्लोरिंग साफ करती हैं। अगर तुम भी ऐसा करती तो मुझे कोई एतराज नहीं था, पर तुम बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी। आते ही अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। रणदीप, मैं वो सब करूंगी जो आप चाहते हैं, पर बाबूजी के इस विश्वास को मत तोड़िए, वो मर जाएंगे। मर जाएंगे? तो अच्छा, मुझे मेरी जायदाद जल्दी मिल जाए। बाबूजी के लिए ऐसी अपशगुन बात मत कहिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। चांद तो हम तेरी कभी भी ले सकते हैं, लेकिन हम तुझे जिंदगी देंगे, एक ऐसी जिंदगी जो मौत से भी बदतर होगी। तेरे एम्बिशियस ड्रीम को नाइटमेयर में बदल दूंगा। स्टीव, शी इज ऑल योर्स। आपकी जिंदगी में कभी नहीं आती अगर मुझे पता होता तो। मुझे इंडिया जाने दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। कहना तो दूर, अब तुम्हारी आवाज इस चार दीवारी के बाहर कभी नहीं जाएगी। कम ऑन मेबी। आई एम अ वेरी फेयर वुमन अमृता, तुमसे एक मर्द को लेके जा रही हूँ तो दूसरा मर्द तुम्हें दिए भी जा रही हूँ। Enjoy yourself. Bye bye. Come on. Come on, baby. Bye, babes. Yes, baby. Listen, listen, listen. You've got nothing to do. Come on. Hey, running, baby. The door is locked. We have the night ahead of us.
You bloody! Open the door! Hey, you! Open the door, I said! You bloody blackface! Oh, Kitige, I didn't see. I can't see her. My God. Where she's gone, man? She must be around here. Oh, let's see. अरे वो देख लाल दुपट्टा. लड़की तो गई इस ट्रेन में. Let's get her. Change the train. Come on, fast. How come you're on this road? Let me see your license. This is my ID. This is my ID. We are fining you $1,000. No problem, I'll pay it. ट्रेन स्टेशन पे ही है. कार रोक जल्दी कर. स्टेशन पे तो है नहीं. कहां गई होगी? फिर कहां गई होगी? लेट्स गो फाइंड हर. चलो. Idiots, go to station, hotel, motels. कहीं भी ढूंढो उसे. वो लड़की मुझे मिलनी ही चाहिए. नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. You donkey king की monkey, नहीं मिलेगा. अगर वो लड़की नहीं मिली ना blackface, तो याद रखना, तुझे भी भूसा भर के तेरे पुरखों की तरह खड़ा कर दूंगा. मू इंडियन मदर सेड, यू टू सुन ले भाई. जा को राके साई, मर सके ना कोई. माय गुड लॉर्ड उसको फिर से बुझाएगा. उसका डार्क लाइफ में होप का लाइट जलाएगा. I will stand by you forever. I will stand.
मैं इंडियन आई एम सो इंडियन नमस्ते नमस्ते One minute. Excuse me, Indian? Okay. पर यहाँ कैसे? How in my garage? जी वो मैं रास्ता भूल गई थी, भटक के इधर आ गई। बाहर सर्दी बहुत थी, इसलिए गराज। सॉरी, आंख लग गई। ओके। Cold outside, shelter inside. Tired, rest, sleep. Me also sleep. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. आज फिर लेट। आज तू गया, तेरी नौकरी भी गई। You're in my garage. जी, कल बाहर ठंड थी तो मैं यहाँ रुक गई। थकी हुई थी, आंख लग गई। आप आधी रात को आए, मुझे स्लीप स्लीप कहकर दरवाजा बंद करके चले गए। Oh my God, जय कुमार, लगता है तुम्हारे नशे की रात का कोई कारनामा है। I'm sorry, please forgive me. नहीं, it's okay. But I'm really very sorry. Oh God, आपको तो बहुत तेज बुखार है। होगा क्यों नहीं, आपको पूरी रात यहाँ पर ठंड में जो मैंने छोड़ दिया। How bad, how shameful of me. आइए, मैं आपको कुछ मेडिसिन देता हूँ, प्लीज आइए। जी नहीं, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? आपको बुखार है और अगर आपने सही वक्त पर दवाई नहीं ली तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और फिर मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आइए मेरे साथ में, कुछ दवाई ले लीजिए, आइए। जी लोग पराए देश बेगाना, ना कोई घर है ना है ठिकाना। लोग पराए देश बेगाना, ना कोई घर है ना है ठिकाना। हाय रब्बा, अब जाऊं कहाँ? हाय रब्बा, अब जाऊं कहाँ? वेरी गुड, रिलैक्स। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। जी ये रही आपकी दवाई, लेकिन दवाई से पहले आप जूस पी लीजिए क्योंकि
खाली पेट दवाई ठीक नहीं होती। दीजिए 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 पीजिए ना प्लीज। आई सेड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आप बार बार सॉरी क्यों कह रहे हैं? इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। इट्स हॉरिबल। हॉरिबल नॉट द जूस, मी, आई एम हॉरिबल। एनीवेज प्लीज जूस पीजिए ना। वेरी गुड वेरी गुड। लीजिए ये आपकी दवाई है, लीजिए आप लीजिए। इसे खा के आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ, इसे खाने के बाद आपको शायद थोड़ी सी नींद आएगी। आप जितनी देर चाहें आराम कर सकती हैं। क्या है, मुझे ज़रा जल्दी है, जॉब का मामला है ना, आई हैव टू रश। मैं ज़्यादा रिलैक्स फील करूँगा अगर आप कुछ देर के लिए इसे अपना ही घर समझेंगी तो। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ओके ओके टेक इट इजी, बाय बाय। एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। ओप्स, क्या करूं, भूलने की आदत सी पड़ गई है इसलिए कभी कभी। ओके बाय। बड़े बुढ़ो ने ठीक ही कहा, इंसान को कभी दारू नहीं पीनी चाहिए। क्या बोकता है, अरे सब दारू पीने वाले यही बोलते हैं, भोर भोर नो मोर, और रात होते होते मिया। हमारे लखनऊ में कहते हैं कि बात वो करो कि लोग थू थू करें, काम वो करो कि लोग जूते मारें। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कभी टाइम से नहीं आना। क्या बात करो आदम भाई, तुम भी कभी टाइम से नहीं आता है फिर भी बहुत जाता है, बहुत भाग्यशाली है। लेकिन रोज तो वो आधा घंटा लेट आता है और आज शिफ्ट शुरू हुए पूरा एक घंटा हो चुका है। हो सकता है कल से लंच के बाद ही काम पर आया करे, आखिर आप ही ने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है ना। अगर सर पे चढ़ाया है तो एक मिनट में उतार भी सकती हूँ मैं। सतनाम शिवाय गुरु। डैडी, अगर आप ही लंच टाइम के बाद यहाँ पर आएंगे तो चल चुकी है फैक्ट्री। क्या बेटा, ये चलने चलाने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। ये दुनिया बनाने वाला ब्रह्मा जी है ना, उसने भी दुनिया चलाने के लिए विष्णु जी को दे दी, जैसे मैंने अपनी ये छोटी सी दुनिया चलाने के लिए तेरे को दे दी। आपको पता है आपकी इस छोटी सी दुनिया में क्या हो रहा है? कुछ हो गया, आपका चाहता जाए पूरा एक घंटा लेट आया। अच्छा, मेरा चेता, यू मीन जय? आपको पता है वो कितनी बड़ी मुसीबत बन रहा और आप फंस गए? क्या है क्या है, हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि हर मुसीबत को हंस के टाल दो। पुत्र तू भी हंस दे। डैडी आप बूढ़े हो गए हैं। अच्छा नहीं बेटे, तू जवानी की तरफ बढ़ रही है ना, तो मैं बुढ़ापे की तरफ जाने की कोशिश कर। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ अगर हमने जय को नहीं निकाला तो सबका डिसिप्लिन खराब करेगा। अच्छा, इतना मुंह लगा, इतना सर चढ़ा, इतना इनडिसिप्लिन, इतना बदतमीज, इतना जिद्दी, इतना एरोगेंट। आपको कैसे पता मैं सब बोलने वाली थी? तू मेरी बेटी है ना, तूने इस बार कम से कम 2.5 बार जय के बारे में यही कहा है। कहा है ना, कभी कभी तो 3.5 बार भी कहती है। जय कुमार। मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर आपके घर में रही, आपने बहुत ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। मैं आपका नाम नहीं जानती पर आप जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, शायद फिर मुलाकात न हो। आ! आ!
here before. Why waste time here? They're back as she go, man. Let's check the other avenues. Yeah. Come on, let's go. Come on. Hey, what happened? Nothing, man. Let's move. जॉय बाबा लड़की को रात भर गैरेज में बंद कर दिया। हाँ यार, ओए हाँ यार, नहीं पूरा बता स्टोरी टाइप, फिर आगे क्या हुआ? होना क्या था, पूरी रात पड़ी रही वो सर्दी के अंदर। सुबह जब मैंने गैराज खोला तो देखा उसको तेज बुखार था। बैड, वेरी बैड। पर मैंने उसकी देखभाल भी की यार, उसको आराम कराया, उसको मैं घर के अंदर लेकर आया, उसको दवाइयाँ खिलाई। अब बस कर, दवाइयाँ खिलाई। तूने उससे माफी टाइप मांगी कि नहीं? वो मांगी माफी यार, 136 बार सॉरी बोला, पर अब क्या हो सकता है, मुझसे गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। अरे बाबा, तो वो लड़की अभी तक तुम्हारा घर में होगा। चलो हम ताड़ताड़ी गाड़ी में बैठता है और तुम्हारा बाड़ी जाता है। चलो चलो, और रुक भैया रुक, नहीं है वो घर पे, उसने मुझे कहा था कि वो दोपहर तक आराम करेगी, उसके बाद चली जाएगी। चली गई होगी वो। धत तेरे की, ये तो ट्रेजिक एंड हो गया अफसाने का। सैड, वेरी सैड। जॉय बाबा, तुम इस स्टोरी को एक सपना समझ के भूल जाओ और खोपड़ी को बैलेंस करने के लिए ये दारू पियो। दबा के पियो। हाँ You still? I'm sorry. I'm still here. No, sorry. You no go? My fault. Meri galti. I no drop. You no go? Kaise jati? Okay. I drop you. Kya? आज मैं यहाँ रुक सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। ओके, श्योर, ऑफ कोर्स। यू स्लीप देयर, स्लीप। थैंक यू। नो। जी। डोंट स्लीप हियर, नो स्लीप। जी। यू स्लीप मदर्स रूम। कम, प्लीज कम। Mom's room. Mommy. Hello. Guest. Mehman. This room. Bed. Bathroom. Phone. Call. Kahin bhi, huh? Ji. Sleep. Sorry. You sleep. I go. Mom, good night. Sleep. Good night. Okay. ईश्वर, इस अनजान देश में जहां आपने भी पराए निकले, वहां तू ही तो मेरा अपना है। तेरा साया तो हमेशा ही मेरे साथ रहा, मेरा आज ये मुझे हिम्मत दे भगवान, मुझे राह दिखा, मुझे शक्ति दे कि मैं इस दुनिया के सामने टूट कर बिखर न जाऊं। मुझे शक्ति दे भगवान, मुझे हिम्मत दे।
लड़की माँ के कमरे में सो रही है। ओए, ओ, ओ, हेलो हेलो, वाज आई ड्रीमिंग? नहीं जय कुमार, लड़की थी तो सही पर गई कहाँ? मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर आपके घर ठहरी, आपने बहुत ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। मैं आपका नाम नहीं जानती पर आप जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, शायद फिर मुलाकात ना हो। थैंक्स एंड बाय। जय कुमार, बाय बाय। हेलो, हाय। हेलो, मैं माँ के कमरे में गया था आपको देखने। जी, मैंने सोचा जल्दी उठकर तैयार हो जाती हूँ। अच्छा किया, वेरी गुड। पर नहाने के फौरन बाद आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था, आज वैसे भी बहुत सर्दी है, आपको फिर से बुखार हो सकता है, यू नो। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ श्योर। माँ जी के कमरे में मंदिर तो है पर लगता है वहाँ पूजा नहीं होती। अगर आप कहें तो जाने से पहले फूल चुनकर भगवान को चढ़ा दूँ? श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। सुनिए एक मिनट, आप रुकिए, मैं भी आता हूँ। ये लीजिए, आपको आदत होगी पर आज सर्दी सचमुच बहुत ज्यादा है। ये मेरी माँ की शॉल है और ये माँ की पूजा की थाली। मैं फूल ले आऊं? अगर आप कहें तो फूल मैं। ये भी ठीक है, वैसे भी मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी तक। लीजिए, गो अहेड। आप इतनी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आईं और आपने मेरे पूरे घर को पवित्र कर दिया। आपके जाने के बाद आई थिंक आई एम गोना मिस ऑल दिस, पर मैं कोशिश करूंगा कि कभी कभार इसे पर याद से मंदिर में फूल चढ़ा दिया करूंगा। नहीं तो कभी कभी आप ही आ जाएगा पूजा करने के लिए। लीजिए, एक बात तो आपने मुझे बताई नहीं, आप रहती कहाँ हैं? इंडिया। अच्छा, तो आप यहाँ की नहीं है, घूमने के लिए आई है? To see the world, huh? दुनिया देखने के लिए। जी, और बहुत देख ली दुनिया। अच्छा, आपका सामान, लगेज?
मेरा सब कुछ चुरा लिया किसी ने। Oh God, that's terrible. Anyways, चिंता मत कीजिए, आपको जो भी चाहिए आपको वो सब मिल जाएगा और आपका इंडिया जाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगर आपके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है तो आप यहाँ रह सकती हैं जब तक चाहें। आखिर एक इंडियन इंडियन की काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। फिलहाल इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा फैक्ट्री में, क्योंकि अगर आज मैं फिर से लेट हो गया तो मुझे आपके साथ में इंडिया जाना पड़ेगा और इंडिया जाऊंगा तो कनाडा वापस आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इल्लीगल हूँ। इल्लीगल इमिग्रेंट। ओके, मैं फटाफट तैयार होकर आता हूँ। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, जय कुमार, क्या लड़की है ये, कोई भी हो, अब इसे मैं हिंदुस्तान नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। यह सॉरी, मैं तो आपसे एक बात पूछना भूल ही गया। क्या? आपका नाम क्या है? अमृता। ओह, ब्यूटीफुल नेम। आप भी मुझसे कुछ पूछना भूल गई हैं? जी। मेरा नाम? ओ, मेरा नाम जय है। जी। ओके, बाय। बाय। वाव! I am in love. Hey, I am in love. Jai Amrita, Amrita, Jai, Jai Amrita. Kya jodi hai? Tumhi se hui hai mohabbat, mohabbat. Tumhi se hui hai. What a pleasant surprise! आज तुम पहली बार time पे। Hello, Dolly जी. Hello. How are you? You looking nice. Very nice. तुम्हें क्या लगता है? तुम एक दिन time पर आके मेरी तारीफ कर दोगे तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ कर दूँगी? नहीं 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 नहीं. I'm so sorry for all those days. मैं माफी चाहूँगा. लेकिन आज आप वाकई में बहुत सुंदर लग रही हैं. और खास तौर से आपका जो आपने गॉगल लगाया हो ना, ये आपके चेहरे पर बहुत सूट करता है. तुमने आज तक तो मेरी तारीफ नहीं की थी. होता है डॉली जी, होता है कभी कभी. कभी कभी क्या होता है, ऐसी सुबह होती है जिसकी रोशनी में हर चीज खूबसूरत लगती है. और फिर आप तो आप ही है ना. Well, तुम आज पहली बार सेंस की बातें कर रहे हो जय, एंड आई एग्री विद यू. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. बाय द वे मैम, अब जबकि मैं टाइम पर आ गया हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे टाइम पर काम भी शुरू कर देना चाहिए. ओके, आई मस्ट गेट गोइंग. गुड बाय, सी यू. ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस. ये तुम क्या कह रही हो अमृता? उसने तुम्हारा मंगलसूत्र तोड़ दिया, रणदीप का किसी और लड़की के साथ. घबराना नहीं, मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूं. मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा. गोपाल गो... नहीं भाभी जी, नहीं बता सकती मैं आपको, नहीं बता सकती. आज बड़े कंफ्यूज टाइप लग रहे, रोटी शोटी नहीं खानी यार? नहीं यार, आज भूख नहीं मुझे. क्या बाबा, आज कौन सा हवा खाया तुम जो भूख नहीं? अरे हिंदुस्तान की मिट्टी की भीनी भीनी महक, अमराई से आए हवा के झोंकों की खुशबू और गांव के कुएं के पानी की मिठास, ये सब देख कर आया हूँ तो भूख कैसे लगेगी यार. हुए? कोई इंडिया से आया? हाँ. के, कौन है वो? ओ यार, बता था ना वो एक लड़की जो जिसे तुमने गैरेज में कैद कर दिया था. अच्छा अच्छा, वो जिसे बुखार टाइप हो गया था. हाँ, और फिर बाद में घर में ले जाकर गोली दिया था. अरे हाँ यार वही. अरे मैंने सोचा था वो चली जाएगी यार. नहीं गई. नहीं गई. मैं जब घर पहुंचा तो पूरे घर की काया बदल चुकी थी. मियां, हमारे लखनऊ में कहते हैं कि एक रात की बात तो दूर, लड़कियां एक लम्हे में जिंदगी बदल देती हैं. छोड़ो जिंदगी को,
वो जय उसका नाम क्या यार? नाम अमृता। वाह यार, बड़े पवित्र टाइप नाम है। नहीं तो हम चौप पवित्र पापी। जय बाबा, अमृता देखने में कैसा है? बहुत खूबसूरत। और सादगी की मूरत। और तन्हा दिल की जरूरत। और उसकी आंखें गंगा जमुना, हो उसकी आंखें गंगा जमुना, लब पे बंसी की तान है, उस रूप को देख के तो कुदरत भी हैरान है। की है कि मेरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। मंदिर में वो एक दिया बन के आई है, मैंने उसे पढ़ के देखा है, वो चाहतों की रुबाई है। मासूम चंचल नवेली दुनिया से अनजान है, कि मेरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। तकलीफ किया आपने। तकलीफ? अरे अगर माँ होती ना तो अभी आपको सुना देती। मेहमानों को कुछ करना तकलीफ की बात थोड़ी होती है। मुझे तो बात बात पे डांट पड़ती थी, मैं हुई कुछ ऐसा। वैसे अगर ये कपड़े थोड़े छोटे बड़े हो ना तो बुरा मत मानिएगा। क्या पहली बार किसी और के लिए कुछ खरीदा ना मैंने, इसलिए। क्यों, माँ जी के लिए तो आप खरीदते होंगे ना। माँ ने कभी मौका नहीं दिया। हाँ, जब माँ यहाँ पर आने वाली थी तो मैंने उनके लिए बहुत सारे गर्म कपड़े खरीदे थे।
और ये मंदिर भी, और ये सोचा था जब वो यहाँ पर आएगी तो मैं उसे कहूंगा कि माँ तूने जिंदगी भर बहुत मेहनत कर ली है, अब तू यहाँ आराम से बैठ के आराम कर, आराम कुर्सी पर। मैंने माँ के लिए टिकट भी भेजी थी, मगर माँ टिकट से पहले वहां पहुंच गई। बस तब से मैंने माँ को यहां से जाने नहीं दिया, वो आज भी यहीं रहती है, इसी कमरे में रहती है। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं यहीं पर आता हूं, एंड प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बस अब माँ मुझे डांट नहीं पाती। देखिए मैं भी कहां किन बातों में लग गया। नहीं बोलिए ना, अच्छा लग रहा है। कितने लोग होते हैं जो किसी के जाने के बाद भी रिश्तों को मरने नहीं देते, वरना लोग तो जीते जी ही रिश्तों को मार देते हैं। या यू राइट, पर पहले आप जाके तैयार हो जाइए, वरना मेरा क्या, मैं तो यूं ही घंटों बड़बड़ करता रहूं। खाने के लिए बाहर भी चल रहा है ना। जी। पहले तो न जाने किस जादू से मेरे घर को इतना खूबसूरत बना दिया है। आप तो माँ के मंदिर में दिया जला दिया है। यानी कि पहली बार मेरा घर एक घर की तरह लग रहा है। यू नो माँ हमेशा कहा करती थी, क्या एक लड़की का हाथ लगे बिना घर घर होता ही नहीं है। हाँ ऐसा कहती थी माँ जी। माँ मेरे पीछे पड़ी रहती थी। अच्छा? बेटा शादी कर ले, मेरे बेटे शादी कर ले कर ले। पर मैं उन्हें कभी सीरियसली नहीं लेता था। क्यों, आपकी माँ से ज्यादा आपका भला कौन चाह सकता है। हाँ लेकिन मैं उनको टाल देता था। मैं उनको बोलता था कि माँ तू ही तो हमेशा कहती थी मैरिज इज अ मेड इन हेवन, शादी ऊपर से लेकर आती है। तो मेरी किस्मत में जब लिखी होगी तो हो जाएगी। फिर माँ जी क्या कहती थी। माँ कहती थी कि माना कि मैरिज इज अ मेड इन हेवन, मगर अरे लड़की तो मुए तुझे इस धरती पर खुद ढूंढनी पड़ेगी ना। फिर मैं माँ से बोलता था, माँ तेरे ऊपर वाले ने अगर मेरे लिए कोई लिखी है तो उसे खुद मेरे पास भेज देगा। अब भाई इतना आलसी थोड़ी तेरे ऊपर वाला। हाँ। अब फिर पूछो आगे क्या होता था। क्या होता था, आगे आगे मैं और पीछे पीछे बेलन लेके माँ। पर अब सोचता हूँ कि माँ ठीक ही बोलती थी, जिंदगी की गाड़ी दो पहियों के बिना चल नहीं सकती। हाँ जिंदगी में जीवन साथी की जरूरत हर एक को पड़ती है। तुम्हारी क्या राय इस बारे में जी। मेरी राय जरूरी नहीं है, कभी कभी जीवन साथी जिंदगी के अधूरेपन को पूरा नहीं कर पाते बल्कि उस बोझ को और बढ़ा देते हैं। नो 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 नो, वेरी नेगेटिव थिंकिंग, वेरी पेसिमिस्ट। पर वैसे भी ये तुम अभी से कैसे कह सकती हो, जीवन साथी क्या होता है तुम्हें तब मालूम पड़ेगा जब तुम्हें कोई मिलेगा, जब तुम्हारी किसी से शादी होगी। हाँ जी मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, आप प्लीज मेरे लौटने का इंतजाम करवा दीजिए। टूटा मेरी चाहत का सिलसिला, शायद ये था किस्मत का फैसला। हम शिकवे और शिकायत बोलो किससे करें, ये ना पूछो क्या मेरे पास है, तन्हाई है और तेरी याद है।
कब तक भरे। हो सके तो मुझे इंडिया भेज दीजिए, मेरे बाबूजी के पास। हम अपनी हालत पे ऐसे न रोते, हम अपनी हालत पे ऐसे न रोते। काश हमारे होते, हमारे होते। अगर तुमने इंडिया जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हारे जाने का इंतजाम मैं करूंगा। थैंक यू। अरे थैंक्स तो ऊपर वाले का करो कि दुनिया में कहीं तो कोई तो तुम्हारा अपना है, वरना तुमने जानती अमृता किसी किसी के पास तो। गुड मॉर्निंग। अरे आप इतनी सुबह सुबह। कहते हैं ना अच्छी संगत होती है तो आदत भी अच्छी पड़ जाती है। आपके लिए पूजा के फूल चुनके लाया हूँ। जी आपने, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा किया तो अब मैं एक और अच्छा काम करने जा रहा हूँ। एक लड़की इंडिया से आई थी, उसका सामान और पासपोर्ट यहाँ पर खो गया। हाँ। तो मुझे उसके पासपोर्ट और टिकट का इंतजाम करना है ना। जी So wish me luck and pray to God कि ये काम हो जाए। अच्छा छोड़े, ये पासपोर्ट के लिए गॉड क्यों तंग करना ना? पासपोर्ट तो मेरे बॉस ब्रार साहब यूं ही करा देंगे, इंडियन एम्बेसडर तक पहुंचे उनकी। समझ लीजिए कि 8-10 दिन में आपका काम हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे हिंदुस्तान अपने बाबूजी के पास। बाय द वे आपकी अपनी बाबूजी से बात हुई है? नहीं हुई? नहीं, वो दिल के मरीज है, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार वहां चली जाऊं फिर उनसे कहूंगी, कम से कम मैं उनके पास तो होगी उन्हें संभालने के लिए। हेलो हेलो हेलो, पर आप जब तक यहां पर हैं आपको संभालने की जिम्मेदारी मेरी। आप मुझे वादा कीजिए आप मेरी एक बात से इनकार नहीं करेंगी। किस बात से? आप वादा तो कीजिए। पर आप मुझे वादा करने से डर रही हैं, मैं आपको दोस्त नहीं हूं क्या? आप जैसा दोस्त तो बड़ी किस्मत से मिलता है। वो तो है जय कुमार। तो फिर वादा कीजिए इस दोस्त से, इंडिया जाने से पहले जब तक आप यहां पर हैं आपकी आंखें कभी नम नहीं होंगी और आप सिर्फ मुस्कुराएंगी। आपको पता है आप कितनी अच्छी लगती हैं मुस्कुराती हुई। So promise. Otherwise, promise. Like a friend? Like a friend. So give me a hand. Hey, 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 hey. Yeah, that's good. And remember, once a friend, always a friend. See you. Bye. Gosh. दुनिया के सारे लोग आप जैसे होते। एक्सक्यूज मी। हाँ? आप कौन? जी मैं, वेल अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि आप कौन और हमारे सरदार साहब के यानी मिस्टर ब्रार के यहाँ क्या कर रही हैं? जी मैं जय जी की गेस्ट हूँ। और मैं जैक अबास, जैक टिल्लो ऑपरेशन मैनेजर। ओह हेलो। हेलो, ऊपर का पोर्शन हमने वेयरहाउस बना रखा है और नीचे काम करने वाले को दे रखा है, आजकल जय को दिया हुआ है। जी। और गाड़ी भी हमने दी। जी। वैसे आप हिंदुस्तानी नजर आती हैं। जी हूँ। नाम नहीं बताया आपने? अमृता। वेरी नाइस नेम। थैंक यू। एक बात कहूँ आपसे अगर बुरा ना माने तो? जी। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। या हैव अ गुड डे, फिर मिलेंगे। डॉली जी, मैं आपसे जय के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। कल मैं जय के घर गया था यानी अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में,
वहां मैंने एक लड़की देखी। जय के घर में लड़की? जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत। वेल, आप जैसी खूबसूरत तो नहीं, बट क्वाइट गुड लुकिंग। मुझे लगता है कुछ दिनों से वो लड़की उसके साथ रह रही है। शायद यही वजह है कि उसका काम में मन नहीं लगता और हमेशा फैक्ट्री में लेट आता है। वैसे मेरा फर्ज था आपको बताना, बाकी आप बेहतर जानती हैं। बाय। बस इतनी सी बात? ओए मैं तो घबरा ही गया था। उस कुड़ी का नया पासपोर्ट बनवाना है ना, कोई बात ही नहीं, बन जाएगा। एनी इंफॉर्मेशन, वो कौन सी तारीख को और किस फ्लाइट से कनाडा आई है, बस ये पता चल जाए, बाकी काम इंडियन एम्बेसी तक कंप्यूटर कर लेगा। ओए नाम क्या बताया था उसका? जी अमृता। अमृता? अमृता से कहना जय कि रब ने चाहा तो हफ्ते डेढ़ के अंदर वो इंडिया अपने बाबूजी के पास बैठी होगी। थैंक यू सर। और अमृता के टिकट के पैसे मैं आहिस्ता से अपनी सैलरी से कटवा दूंगा। अच्छा लो, पैसे के लगे, सारा पुण अकेले ही लूटना चाहता है। जय कुमार, इंडियंस की मदद करना हमारी कंपनी का उसूल है, पॉलिसी है, इसलिए अमृता की टिकट कंपनी की तरफ से हो जाएगी। गुड। वाह डैड वाह, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कर दी। पता है जय, मैं तो ये सोचकर आई थी कि गेस्ट हाउस में पता नहीं किन किन लोगों को रुकाने के लिए तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, लेकिन तुमने तो बिल्कुल इनाम पाने वाला काम कर दिया। डैड, हाँ हमें जय की सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, जय कुमार तेरी सैलरी $280 बढ़ा देते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू डॉली जी। अरे फिर गुड हो गई इसकी। डैडी, अगर आपको पैसे बढ़ाने ही थे तो आपने $1,000 क्यों नहीं बढ़ाए? वो क्या है बेटी, तनख्वाह, चांद और बेटी धीरे धीरे बढ़े ना तो बड़े प्यारे से लगते हैं। क्या 10 दिन से ऊपर हो गए हमें उत्तरकाशी से आए हुए, अभी तक अमिता बेटी से बात नहीं हो पाई। घर का फोन नहीं लग रहा तो मोबाइल मिला ना। फोन इंडिया से, योर ओल्ड मैन। हाय डैड। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा, कब से घंटी बज रही है? आई एम इन अ मीटिंग डैड। हे, पूछने के लिए आपने फोन किया था क्या? नहीं, मैंने तुमसे नहीं, अमृता से बात करने के लिए फोन किया है। डैड मैंने कहा ना उसके आते आपसे बात करवा दूंगा। अरे ये तो तूने पिछली बार भी कहा था, अगर जल्दी तूने अमृता से मेरी बात नहीं करवाई तो मैं प्लेन पकड़ के सीधा कनाडा आ जाऊंगा। कम ऑन डैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। काट दिया फोन उन्होंने। क्या हुआ लव, क्या कह रहे हैं तुम्हारे डैड? कह रहे अगर 2 दिन में अमृता से बात नहीं करवाई तो वो कनाडा आ जाएंगे। हे भगवान, मेरी अमृता ठीक हो? तुम लोग ध्यान से सुन लो एक बात, कोई भी ऐसी किसी हरकत मत करना, वो बहुत सेंसिटिव है। हाँ तो हम भी बड़े सेंसिबल हैं। चलो चलो शेती करो। मैं आई ना ओए बाबा, शवाल के मेरा टूट ना जाए। अमृता, अमृता। हाँ जय। ये मेरे दोस्त हैं। हेलो 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 हेलो। आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। जय जय जय, वहाँ वहाँ क्यों बैठ गए आप लोग, यहाँ बैठिए ना। अबे कमीनो, तुम यहाँ क्यों बैठ गए यार? यहाँ बैठो, ओ बैठो यार। अमर, कुमारन। नमस्कार। नमस्कार। ये ऐसे ही है, टाइगर दादा, टाइगर गांगुली। आप बंगाल से हैं? वेरी शार्प माइंडेड। अरे आमी तो अभी मुंह भी नहीं खोली और ये बोला बंगाली। तुम्हारा माँ ने बचपन में जरूर माछ खिलाया होगा। नो हाँ नो नहीं। आदम भाई, आदम अली आब्दी लखनऊ से। आदाब। आदाब। वल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप। जय मियाँ ठीक ही फरमाते थे, ऊपर वाले ने जब आपको बनाया होगा तब उसके पास फुर्सत ही फुर्सत, फुर्सत ही फुर्सत। ओए ओ, मुझे भी को फुर्सत टाइप दे दो यार। मैं जी जसवीर सिंह टवाणा उर्फ जसी फ्रॉम पटियाला। सत श्री अकाल जी। ओए सत श्री अकाल। कचरा करते रहोगे कि बैठोगे भी? आजा 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 बैठो, तू यहाँ गिर, तू यहाँ गिर। आप लोग काम से थके हुए आए होंगे,
मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं, जॉय बाबा कितना अच्छा लड़की है और तुम हमें बेकार में भौंपकी देता था। वही वही वंडरफुल वल्ले आगे दे। और तू हमें यहाँ लाने में आना कानी टाइप कर रहा था। मियाँ हमें तो लगता है कि हम तुमसे ज्यादा वक्त से अमृता को जानते हैं। इतनी प्यारी सी, छोटी सी, नन्ही सी, मुख्तसर सी अमृता। मुख्तसर? वो मुख्तसर में तुम्हारे चाचा जी रहते हैं? मुख्तसर नहीं मियाँ, मुख्तसर। अच्छा। मुख्तसर उकड़ा ही। चलो चलो चलो, देखे यार। अबे पकड़ो, भूत की तरह यहीं पर खड़े रहोगे क्या? सालों इससे ज्यादा होश में तुम लोग तब होते हो जब दारू भी होते हो। दारू? हाँ तो पी लेते हैं। कहाँ है? पर पीना किधर है? अबे तुम आओ तो यार, आओ जल्दी करो भाई। बाथरूम? चलो ये भी ठीक है। लो डू मरो। कम पीना। चलो चलो, चीयर्स। चीयर्स। सॉरी हाँ, तुम्हें बिना बताए इतने सारे दोस्तों को घर पे ले आया मैं। जिन्हें बताकर आना पड़े वो दोस्त थोड़ी होते हैं। दोस्त तो वो होते हैं जिन्हें मालूम हो कि घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। वैसे हैं कहाँ? बाथरूम में। सबके सब? अभी भी फैक्ट्री से आए ना, इसलिए मैंने बोला अंदर जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ। वैसे एक बात कहूँ, आपके दोस्त हैं बड़े मजेदार। अमृता, इस परदेश में अगर कोई मेरा परिवार है तो ये लोग हैं। यही लोग मेरे दुख में, मेरे सुख में हैं, यही मेरा सहारा है। संभाल के भाई, तकड़े मत मारो यार। आजो आजो आजो। मैं भी आता हूँ। जय बाबा, मजा आ गया, बहुत अच्छा था दास। दवा दारू के मामले में कौन दवा ले रहा है? आप दवा क्यों ले रहे? मैं कहाँ दवा ले रहा हूँ, दवा तो मैं इन लोगों को दूंगा, कल मिलो ना सालों। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए गरम गरम पकौड़े बना के लाई हूँ। वेरी गुड, मंचिंग मंचिंग, अब मजा आएगा पीने का। पकौड़ा पीने का? अबे बदतमीजो, ये क्या है? पीऊंगा पीऊंगा पीऊंगा। दारू पीने के लिए आयो कि अमृता से मिलने के लिए आयो? दारू के ड्रम में डुबो दूं? ओ नहीं यार, इनको तो डाइजेस्ट टाइप ही नहीं होती। अब मुझे देख, मैंने कोई गलत बात की है? तूने कुछ नहीं किया, रुक मैं आता हूं। अब मैं समझी आप लोग अंदर क्या फ्रेश होने जा रहे थे। क्या बाथरूम तक जाने की क्या जरूरत है, मैं आप लोगों का बाथरूम यही ले आई हूँ। क्या हुआ, सब चुप क्यों हो गए? नहीं, आमा के लगता था कि तुमको बुरा लगेगा तो हम सबको भी बहुत बुरा लगेगा। पैना, सच बता, तुझे बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? चलिए लीजिए, एंजॉय करिए, बिल्कुल भी मत शर्माइए। बिल्कुल मत शर्माइए। ओ यार, फिर तो रिजर्व कोटा भी काट लो। जय, आप नहीं लेंगे? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, ये तो जानते ही हैं, मैं तो वैसे ही बहुत कम पीता हूँ। ना ना, तू तो पीता ही नहीं है, आज शुरू कर लेना ड्रामे बाज ना हो बेटे। वैसे भी अंग्रेजी बोलते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं। चलते 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 हम सफर को याद रखना, चलते 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 मुझे कहे मुस्कुरा लो, खुशियों का मौसम चुरा लो, चलते 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 चलते।
कभी पल आता नहीं है कभी कल हाँ रुकता नहीं है कभी पल आता नहीं है कभी कल जो आज है उसको जी लो आंसू भी तुम हंस के पी लो कह रहा है हमसे सूरज ढलते ढलते चलते चलते हम सफर को याद रखना चलते 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 बारात आए सपनों की डोली सजाए तारों की बारात आए सपनों की डोली सजाए सारी जमीन आसमां को रोशन करे दो जहां को चांदनी का दुपट्टा ढलके ढलके चलते चलते हम सफर को याद रखना चलते चलते ओ चलते चलते लो ये क्या है भाई मुझे तो कोई केक टाइप चीज लगता है अमृता अंग्रेज इसे एवरी डे पे खाता है और हम हिंदुस्तानी ओनली बर्थडे पे खाता है हैप्पी बर्थडे पर आप लोगों कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है अगर तुम्हारे पासपोर्ट फॉर्म में जो लिखा है वो सच है तो ये भी सच है कि आज तुम्हारा बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे अमृता अमृता देख पुत्र मैं आ गया सात समुंदर पार से तेरे से मिलने के लिए अब तू भी बाहर आ जा अंदर आ जाइए डैड ये उसकी बहुत पुरानी आदत है
मुझे देखते ही छुप जाया करती थी। अरे भाई बाहर आ जाओ अब। अच्छा ये लो, आंखें बंद कर लेता हूँ। अमृता, उसे आवाज देना बंद कीजिए डैड, वो घर पे नहीं है। क्या घर पर नहीं है? पर एयरपोर्ट पर तो तू कह रहा था वो घर पर है। तो वहाँ क्या तमाशा करवाता? अमृता अब यहाँ नहीं रहती, वो ये घर छोड़ के चली गई। बकवास मत कर। कहते मुझे भी तकलीफ हो रही है, अभी आप थके हुए हैं, आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। गोली मार चाय को, पहले मुझे बताओ तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। आप ही की जिद थी ना डैड कि चंबा जैसे गांव की लड़की इस माहौल में आ जाए, पर पीपल के पेड़ हिंदुस्तान में अच्छे लगते हैं, यहाँ लगाने की कोशिश करोगे बस जमीन ही खराब करते हैं। ओए खेती बाड़ी की समझ मुझे तुझसे ज्यादा है, सीधे सीधे बता हुआ क्या है। मैं आपको बता नहीं सकता डैड, आप सुन नहीं पाएंगे। ओए पहेलियां बुझाना बंद कर। गलती मेरी थी डैड कि मैं उसे अपने साथ पार्टियों में ले गया। लोग तो यहाँ परसों में बदलते हैं, लेकिन वो चार ही दिनों में यहाँ के लोगों को पीछे छोड़ गई, शराब पीना शुरू कर दिया। शराब? ओए, तू मेरी अमृता के बारे में ही बात कर रहा है ना? जी उसी अमृता की, जिसके बाप ने शराब के नशे में एक्सीडेंट करके अपने साथ साथ अपनी बीवी की जान भी ले ली। जब मैंने उसे टोका, जानते हैं क्या बोली? बहुत कर ली तेरे बाप की गुलामी, वो मेरी मजबूरी थी, पर अब मुझ पर हुकुम मत चलाना। कभी नहीं, मेरी अमृता ऐसा कभी नहीं कह सकती, कभी नहीं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। जानते होंगे आप, जब तक वो चंबा में सांस लेती थी तब तक, अब उसे यहां की हवा लग चुकी है। मेरे दोस्त मुझ पे हंस रहे थे जब सबके सामने वो मेरे मुंह पे तमाचा मार के भाग गई उस अंग्रेज के साथ। बच कर। ऑसम सिमोन, तुम्हारा भी जवाब नहीं। क्या कहानी बनाई तुमने सच। बुढ़ा मान गया और हमारी लाइफ सेट हो गई। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरी अमृता ऐसा कभी नहीं कर सकती। एक कोई पिज़्ज़ा टाइप का ऑर्डर तो नहीं दिया हमारे लिए? अबे सालों, छः छः पराठे बसका के अभी तक चैन नहीं मिला, फिर भूख लगी है? क्या मियां अभी? पैना, ये तस्वीरें तो अपने साथ ले जाना, इसी बहाने हमारी याद टाइप तो आती रहेगी ना। हाँ जी। What a nice surprise sir. Good surprise ना? Hi sir. How are you, Dolly ji? I'm fine, Jay. Where have you been? I haven't seen you anywhere. बहुत लंबा वीकेंड था, तो मैंने थोड़ा घूम के आए थे। ओए जय, इधर। यार मुझे भी सरप्राइज सा हो रहा है, मैं किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया हूँ? ये घर तेरा ही है ना? सर घर तो आपका है, मैं तो उसमें सिर्फ रहता हूँ। ओहो, ये सब तू छोड़ जय कुमार, तू यहाँ रह कैसे पाता होगा? इतनी साफ सफाई, इतनी तरतीब, हर चीज लिखे से। ये आवाज अपने बॉस टाइप की लग। क्या कहते हैं, किसी ने शुभ कर दिया हो सब। रियल हाय। वो आ गए। नमस्कार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। नमस्कार। हाँ जी आदाब। हाँ है, हेलो। तो ये चंडाल चौकड़ी यहाँ मौजूद है जी। ब्रार साहब, अमृता, अमृता ब्रार साहब जी। हाँ हाँ भाई, मैं तो इससे पहले मिल चुका हूँ। कब जी? मुझसे? आहो, ओ बेटा इस घर के उलिये को देख के मैं तुझसे मिल लिया। लेकिन देखा भी रहा हूँ बेटा, तेरे चेहरे के नूर को देख के लगता है तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। God bless you. Thank you, sir. By the way, Dolly. Hello, Amrita. मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जैसे. Really, Jay? Good or bad? Good things, of course. Thank you, Jay. अच्छा सर, हम लोग चलते हैं। चलो चलो। ओए तू कहाँ जा रहा है आदमी? नहीं सर, हम तो वैसे ही जाते ही रहे थे। ओए तो वैसे ही enjoy type करना जस्सी। अच्छा बेटा, ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। हाँ, और ये है बेटा तुम्हारी परसों की टिकट। थैंक यू सर। ओ ये क्या जय? हाँ,
और खुशी के मौके पे खुश होते हैं बेटा। सर खुश तो हूँ, पर अच्छे लोगों से बिछड़ने का अफसोस भी तो होता है ना। हाँ हाँ ये बात तो है भाई, भाई मुझ जैसे अच्छे आदमी से बिछड़ने का दुख तो होगा ही। ओ अमृता बेटे तू खुश हो, तू अपने बाबूजी के पास इंडिया जा रही है ना? जी। गुरु पला करे। अच्छा बेटे, ओ ले जो असली बात थी वो तो भूल ही गया मैं। ओ बेटा कल तुम्हें ना घर पे आना है, विसाखी की पार्टी है। पार्टी? हाँ ये परसों की टिकट इसीलिए। ओ जय अगर कल तू इसे लेके नहीं आना तो परसों काम पे मत आना। बाय सर। बाय बाय। अच्छा मियां हम लोग भी चलते हैं। अच्छा यार फिर मिलेगा। और फिर क्या, कल मिलेंगे विसाखी पे। ओ आजा आजा, कोई नहीं, हो गया हो गया। बाय बाय। चलो ये लोग भी चले गए, जल्दी तुम भी चले जाओगी अपने अपनों के बीच। विसाखी दिया मुबारक भाई, मुबारक मुबारक जी मुबारक। ओए शगला शगला मुबारक है विसाखी। ग्रेट हो, इंडिया को जिंदा ही रखते हो किसी ना किसी बहाने कनाडा भेज। ओए कैन सिंगा, ओ भाई देख, ओए जिंदा रखने की तो बात है इंडिया को। ओए हम मिल वर्कर से मिल ओनर हो गए, ओए हम पॉपर से मिलियनर हो गए, सरकार से बेकर हो गए। तो ऐसे ले इस छोटे से घर को बसाने की कोशिश करता रहता हूँ। क्या कह रहे हैं ब्रार साहब, ये $3 million का जो महल खड़ा है ये घर नहीं तो क्या है? ओए जीत पाजी, ये महल तो है मिलियंस का, लेकिन क्या हम इसके मालिक हैं? ना बताओ भाई। ओए हम इन महलों के मालिक हैं, ओए हम तो इन महलों के गुलाम हैं। हैं? और कपड़े धोने के लिए खुद मशीन पे जाना पड़ता है, कारपेट खुद क्लीन करना पड़ता है, और तो और पांडे भी खुद ही मांजने पड़ते हैं। वो मैंने कहा इंडिया होता तो किसी छोटू को बुला लेते, यहाँ तो हम खुद ही छोटू बन गए। हाय डॉली जी, हैप्पी बैसाखी। हेलो जय, हैप्पी बैसाखी टू यू। थैंक यू। तुम काम पे तो टाइम पे नहीं आते, कम से कम पार्टी में तो टाइम पे आ जाए करो। एनीवे अपनी फ्रेंड्स बुलाती तुम्हें, आओ। एक मिनट, अमृता अकेली पड़ जाएगी। ओह आई एम सॉरी। हाय अमृता। हेलो। दैट्स नो प्रॉब्लम जैग, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। श्योर। कम ऑन। श्योर। आता हूं मैं। या श्योर। हेलो अमृता। हेलो। आज बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। सच में आपके आने से मेरी बैसाखी में रौनक आ गई। क्या पियोगी आप? जी कुछ नहीं, पहले ब्रार साहब से मिलाती हूँ। एक्सक्यूज मी। मिलाइए ब्रार साहब से, फिर हमसे मिलना। ब्रार साहब सत श्री अकाल, बैसाखी मुबारक। बैसाखी मुबारक, सत श्री अकाल। ओ अमृता बेटे इतनी देर क्यों हो गई? सर जी सॉरी सर, अमृता को मेरी वजह से देर हो गई। ओए जय कुमार, तेरी तो हर जगह लेट पहुंचने की हमें आदत सी हो गई है। सर बाय द वे हैप्पी बैसाखी सर। ओ हाँ तेरे को भी बैसाखी की मुबारक हो। ओ ओ भाई, ओ बच्चे, ओ आज तो हार का दिन है और तेरे हाथ खाली। एल नहीं सर, ओए लैंड नहीं सर का लगा हुआ, ड्रिंक चढ़ा। सर मैंने, ओए डीक मार के पी जा। ओए डीक मार, जाटों के पल्ले पड़ा है तू। ओए ओ ये की रीर 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 मतलब टल्ली टाइप। पीपल पन घट बिंदिया घूंघट छड़ के सब कुछ दे चैन गवा के दर्द कमाने आए तुम परदेश में। शाबा परदेसियो, हाय शाबा परदेसियो।
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਬਾ ਪਰਦੇਸੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੁਮਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੁਮਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਣੇ ਪਿਲਾਣੇ ਦਾ ਹੋਏ ਰੱਖਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਲੜ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਕ ਲੜ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਵੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣਾਏ। ਲੜ ਗਈ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ, ਲੜ ਗਈ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ, ਲੜ ਗਈ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ, ਲੜ ਗਏ ਲੜ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਯਾਰ ਖੁਸ਼
लड़ गई कुड़ी दे नाल हाय हाय रंग गोरस मेरे बाल हाय हाय हंस हंस के यार वो बार बार बेटा भी मेरी पढ़ाए अख लड़ गई कुड़ी दे नाल हाय 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 रंग गोरस मेरे बाल हाय हाय अख लड़ गई कुड़ी दे नाल हाय हाय रंग गोरस मेरे बाल हाय हाय अमृता तुम यहाँ पार्किंग लॉट में लगता है तुम्हें भीड़ भाड़ पसंद आई बस मेरा भी शोर शराबे में दम घुटता है चलो अच्छा ही हुआ इस खामोशी में दिल की बातें तो कर सकूंगा जी नहीं मैं ये कह रहा था कि तुम इतनी अच्छी खासी कंट्री छोड़कर इंडिया जा रही हो मेरा घर है वहाँ घर तो तुम यहाँ बसाने आई थी अमृता वैसे मैं तुम्हारा उजड़ा घर बसा सकता हूँ मेरे पास बंगला है गाड़ी है पैसा है And I'm a green card holder too. Let's live together. तुम मेरे साथ रहो अमृता वैसे भी इस कंट्री में लोगों के पास लाइफ तो होती है मगर अच्छी वाइफ नहीं You become my wife. I'll make your life. Please मेरा हाथ छोड़िए वैसे भी एक छोड़ी हुई औरत का हाथ पकड़ने वाले बहुत कम होते हैं अमृता शुक्र करो कि तुम्हारा हाथ जैक टिल्लो ने पकड़ा है जैक टिल्लो क्या हो रहा है अबे ये तेरी प्रॉपर्टी है क्या Mind your tongue, Jack Tillo, you bloody fellow. You bloody fellow. ये तेरी लगती क्या है जो तुझे तकलीफ हो रही है? वो मेरी मेहमान है. She's my guest. समझा? Jack, please, बस करिए चलिए यहाँ से. Jack, please. Let me fix him. Jack, please, आपको मेरी कसम. साले आज तू बच गया. आइंदा 10 गज दूर रहना वरना. Jack, please. हम इससे दूर हो ना हो पर अब तू इसके करीब नहीं आ पाएगा जय कुमार लो क्रश हिम लाइक अ कॉकरोच साले की हिम्मत आग उठा के देख दे पल फोड़ो इस आई हिट हिम किस किस से लड़ेंगे आप किस किस की आग फोड़ेंगे किस किस की जुबान रोकेंगे आई हैव अ ब्रोकन मैरिज लोग तो बातें करेंगे ही ताने कसेंगे ही आपको क्या जरूरत है मेरी वजह से दुश्मनी मोल लेने की आपको तो यही रहना है इन्हीं लोगों के बीच प्लीज मैं तो कल ही इस शहर से इस देश से चली जाऊंगी फिर मेरी वजह से क्यों झगड़े कर रहे हैं अभी पार्टी में भी सबके सामने आपने आफ्टर ऑल क्या जरूरत है इतना पजेसिव होने की आपको मेरे लिए मैं हूं पजेसिव आई फाइट Someone going. Go. 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 I love somebody. Somebody goes. I love Papa. Papa goes. I love Mama. Mama goes. I love Amrita. Amrita goes. Go. Go. Leave me alone. I live alone. In this house I live. I won't miss anybody. I won't miss you. But I love you, Amrita. I love you, Amrita. I love you. Oh, my God.
अरे बाप रे बाप, तुम्हारी पैकिंग अभी तक नहीं हुई? तुम लड़कियों की पैकिंग में तो जमाना भी जाता भैया। सुनो, आज वीकडे है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने वाला है, तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। जल्दी जल्दी फास्ट हरी अप। अमृता, एयरपोर्ट में चेकिंग के साथ साथ हमें बाबूजी को फोन भी करना है, फ्लाइट नंबर देना है, ताकि वो गाड़ी भेज सके तुम्हें पिकअप करने के लिए। पर ये सब तभी हो पाएगा जब आपकी पैकिंग हो जाएगी और हम यहाँ से निकलेंगे। आइए जल्दी आप। बहुत स्लो है आप, मैं मदद करता हूँ आपकी। इसको ना पैकेज में ही रखिए, खुला में छोड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ हो गया बस। चाहिए माजी की शॉल में कमरे में रखा था। नहीं नहीं नहीं, इसे ले जाइए आप, अपने साथ में ले जाइए। कम से कम मेरी माँ की एक निशानी तो रहेगी आपके पास। सत्यकाल जय कुमार, कैसा है तू? जी बिल्कुल ठीक ठाक। हाय अमृता। ओले भाई, ये तो सारे सूटकेसों में ताले भी पड़ गए हैं। चलो चलो चलो, कोई नहीं, और ये सूटकेस तो खुला है। और चल बेटा अमृता, तू इसे किसी कोने में फिट कर ले। अमृता, ये तुम्हारे लिए हमारी तरफ से। इस सब की क्या जरूरत थी ब्रार साहब? ऑफ कोर्स जरूरत थी, तुम वापस इंडिया जा रही हो और चंबा में तुम्हें ये ट्रेंडी ड्रेसेस नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने वैसे ही मेरे लिए इतना किया है कि मैं। ओहो बेटा, हम अपनों के लिए कुछ करके ना अपने आप को इंडिया से जोड़ते रहते हैं। ये सब ये पार सर, पार सर, ओ ये पार सर क्या होता है बेटे? तू मेरे लिए दलजीत की तरह है। डैडी। हाँ जी। डॉली। हाँ बेटा, जब ये डॉली कुछ लेते हुए नहीं शर्माती तो तू क्यों झिझकती है? तेरा भी तो हक बनता है बेटा। थैंक यू सर। अमृता बेटे, एक बात याद रखना, जिंदगी का हर पल एक नई शुरुआत का पल होता है। जी। गुरु भला करेगा। अच्छा भाई जय, मैं चलता हूँ, इसको ऑफिस ड्रॉप करके मुझे एडमंटन जाना है। चल भाई, चल चल जल्दी कर। ओके अमृता, बाय, टेक केयर। और जय, तुम अमृता को छोड़ के सीधे ऑफिस आना, और अगर तुम लेट हुए ना तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। चल्ली कुड़ी है, चल। आई सर। ओ नहीं बेटा, तू इसको सामान लगाने में मदद कर। और सुन, इसके जाने के बाद इस घर को ऐसे ही तरतीब और सलीके के साथ में रखना, इसकी आदत तो पड़ गई ना तुझे। चल चल चल, कोई नहीं। ए लड़का ना फॉर्मेलिटियों में ही पड़ा रहता है। गाड़ी में बैग पड़ा है, मैं रखता हूँ। जय, मैं जरा माँ को प्रणाम करके आती हूँ। ओके, करके आओ। मैं जा रही हूँ माँ। तेरा बेटा बहुत अच्छा है माँ, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे, उसे बहुत अकेला करके जा रही हूँ, पर मैं भी तो उस, पर मैं क्या करूँ माँ? कोई अपनी किस्मत खुद तो नहीं चुन सकता ना। मत जाओ अमृता। जाना मेरा नहीं, तकदीर का फैसला है। तकदीर तो तुम्हें यहां तक लेकर आई है अमृता, अब यहां से जाना या रुकना तुम्हारे हाथों में। नहीं जय, मैं कैसे रुक सकती हूँ? क्यों नहीं रुक सकती? तुम किसी और की ब्याहता हो, किसी और की अमानत हो, इसीलिए। वो रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जब उसने मेरा मंगलसूत्र तोड़कर मुझे एक दूसरे मर्द की भूख का सामान बनाना चाहा था। तो कल की किस जंजीर में जकड़ी हो तुम, जो आज एक नए कल की शुरुआत नहीं कर सकती? मेरी किस्मत में नहीं है कि किस्मत मैं... ने तो हम लोगों को मिलवाया है अमृता, कि हम दो अकेले लोग एक दूसरे की तन्हाइयों को बांट सके, एक दूसरे के जख्मों को सी सके। फिर क्यों, क्यों हम लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते? क्यों एक साथ नहीं जी सकते? क्यों नहीं समझ रहे हो जय? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक लड़की के लिए ये फैसला आसान नहीं होता है। ठीक है,
तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्यों अपने आप को छल रही हो? क्यों क्यों चाहते हो कि हम लोग जुदा हो जाएं और हजारों मील दूर एक दूसरे की याद में तिल तिल मरते रहे, सांस सांस घुटते रहे? मैंने आज से तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, मगर आज कहना चाहता हूँ। जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, उस दिन से बिना होंठ खोले बस एक ही इल्तिजा की है, एक ही दुआ मांगी है कि काश 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 आप हमारे होते। जा अमृता, प्यार की पुकार को अनसुना करके मत जा। सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से नसीब होता है।
What is this, Dad? मैं जा रहा हूं रणदीप इंडिया. नहीं, अमृता को ढूंढने. Come on, Dad. जो खुद खो जाना चाहती है उसे तलाशने का क्या फायदा? और छितर मारो फायदे नुकसान को. नफा नुकसान कारोबार में देखा जाता है, रिश्तों में नहीं. मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरा कनाडा छानना पड़े. Have you gone bonkers, Dad? कहां तलाश करेंगे उसको? अगर वो मिल भी गई तो क्या कर लेंगे आप? मैं उससे पूछना चाहूंगा कि क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में जो उसने ऐसा किया. पर अगर सच कुछ और निकला रणदीप राज मनकोटिया, तो यह याद रखना कि यशवंत राज मनकोटिया का छित्तर अपने पराये में फर्क नहीं करता. हेलो हेलो गोपाल चाचा, मैं अमृता. बिटिया कहाँ है तू? कनाडा में. बात कराइए ना बाबूजी से. साहब जी तो कनाडा में हैं. क्या कनाडा? अंति नहीं नहीं, उसके पास नहीं है बेटी. तो फिर कहाँ है? वो तो तुझे खोजते फिर रहे हैं. अगर बाबूजी का फोन आए तो नहीं कहेगा मुझे फोन करें. नंबर लिखिए. हाँ बोल बेटी. 403-935-8421. अच्छा बेटी, तुम नहीं जानते हो जय, तुम नहीं जानते हो बाबूजी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए. और जब उन्होंने मुझे वहां नहीं देखा होगा तो जाने क्या कमा हुआ होगा. बाबूजी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जय. अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं जय. और फिर बाबूजी को कुछ हो गया तो. सुनो, तुम चाहो तो मैं बाबूजी को ढूंढता हूँ. हाँ, मैं डॉली जी से बोलता हूँ कि मुझे 2-4 दिनों की छुट्टी. जैक. यस मैम. डिड यू हियर द गुड न्यूज़? व्हाट? जैक इज इन लव विद द चंबा गर्ल और शायद उसके साथ चंबा में बस जाए, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए. तुम एक काम करो, तुम इनका जॉब टर्मिनेशन लेटर दे दो. इनका कॉटेज खाली करवा दो और इनकी गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी वापस यहाँ पार्क करवा दो. Are you joking, ma'am? Does it look like I'm joking, Jag? Not at all, ma'am. Job will be done very well. Mr. Jay, let's proceed. It was nice knowing you, Jay. Goodbye. Goodbye. इस दुनिया में मेरे जैसा और कोई मजबूर नहीं. यूं लगता है उसका मिलना मालिक को मंजूर नहीं. जिसके बिना ये
सुना जहाँ है दिल का वो टुकड़ा जाने कहाँ है। क्या हुआ जी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? तबीयत को क्या होना है सरदार साहब, चित्तर मारो ऐसी किस्मत को, इस बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। क्या हुआ जी, मैं कुछ मदद कर सकता हूं आपकी? मैंने अपनी बेटी की शादी यहां की थी, उसको यहां देखने आया था, अब जहां वो रहती थी वहां है नहीं, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने उसको, पता नहीं ये धरती खा गई मेरी बेटी को। रिलैक्स, हौसला रखो जी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा जी। अब तो बस इतना रह गया कि हर दरवाजे पर पागलों की तरह जाके खटखटा के पूछूं, पाई पाई साहब मेरी अमृता यहाँ रहती है, बहन जी मेरी अमृता यहाँ रहती है। ये अमृता चंबे वाली? हाँ जी चंबे वाली। आप अमृता के बाबूजी हो? हाँ हाँ जी, हाँ सरदार साहब, आप जानते हो उसे? वाहेगुरु भी देखो क्या कमाल करता है। ओ आप पटके नहीं हो, आप सही जगह आ गए हो। उठो 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 उठो, ये लो पकड़ो अपनी टोपी और ये पाओ अपनी जुत्ती, समझो गुड हो गया, समझो कि अमृता आपके पास है। सरदार साहब क्या कर रहे हो जी? मैं आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा, मुझे मेरी अमृता से मिला दो। आप मेरे बड़े वीर हैं, अमृता तो इंडिया पहुंच गई है। नहीं हुजूर, वो इंडिया नहीं पहुंची जी, वो जाने वाली थी, जब उसे पता चला मैं यहाँ आ रहा हूँ तो वो यहाँ रुक गई, अब पता नहीं कहाँ है। ओ रुक गई है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जहाँ वो रुकी मैं आपको ले चलता हूँ, फिर तो गुड है ना। मेहरबानी सरदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार साहब आपका। वाहेगुरु का जी। अमृता जय कुमार, लगता है कर्म में कोई नहीं क्या? ये सब मेरी छित्तर मारी किस्मत का कर्म है सरदार साहब, कि वो यहाँ भी नहीं है। ओ ना जी ना वीर जी, परेशान होने की बात नहीं है, अभी पता चल जाएगा, मैं दिलजीत से पूछता हूँ। हेलो बेटा, मैं जय के यहाँ से बोल रहा हूँ, ना जय है ना अमृता है, घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा, तुझे पता है? डैड मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है, I've sacked him. Stay there, I'm coming. दलजीत। Yes, Dad. Ouch. Where are you? I'm in the basement, Dad. आप कुछ लोगे? नहीं जी, मेहरबानी। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ठीक। How can you do this? कम से कम फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। डैडी मुझे नहीं लगता कि किसी एक मामूली से वर्कर को नौकरी से निकालने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। लेकिन बच्चे, उससे कार और घर क्यों छीन लिया? मैंने अपनी मर्जी से दिए थे, अपनी मर्जी से वापस भी ले लिए। वो जब ऐसे वापस ही लेने थे, देने की क्या जरूरत थी? डैड कुछ सोच समझ के दिए थे। भाई क्या सोच समझ के? यही तो पूछ रहा मैं तुझसे। अगर जय को अपनी पूरी जिंदगी उस शादीशुदा लड़की अमृता के आंसू पोंछने में बितानी है तो करे उसे जो करना है। Why the hell should I help him? बेटा, उन दोनों के रिश्ते से तुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ है डैड, बहुत तकलीफ है मुझे। I liked him. I wanted to marry him. इसीलिए मैं उसे ग्रूम कर रही थी ताकि कल उसका कुछ स्टेटस हो और अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे शर्म ना आए। बेटे शर्म तो मुझे तेरी बातों से आ रही है। कौन से स्टेटस की बात कर रही है? स्टेटस बड़े घरों से नहीं, संस्कारों से होता है। स्टेटस कीमती कार से नहीं, करैक्टर से होता है। स्टेटस ग्रीन कार्ड का नहीं, वैल्यूज का होता है। जब मैंने तेरी मां से शादी की थी तो मैं यहां
इस मुल्क में टैक्सी चलाया करता था और तेरी मां यहां के एक बड़े घर की बेटी, बड़े सरदारों की बेटी थी। उन लोगों ने मेरे अंदर स्टेटस नहीं, मेरे अंदर के मेहनत के मादे को देखा था। अब अगर तू जय के अंदर के छिपे हुए इंसान को नहीं देख सकी और सिर्फ स्टेटस तलाशती फिरी, तो आई थिंक इट इज वेरी इमेच्योर ऑफ यू। मैं गुस्से में थी पापा, शायद इसीलिए मुझसे ऐसा हो गया। आई एम सॉरी पापा। रिलैक्स, कुछ पता है अब कहाँ होंगे वो लोग? आई थिंक विद जस्सी एंड ऑल हिज फ्रेंड्स। नथिंग टू वरी, शी इज हियर, सब गुड होएगा। सरदार साहब, मुझे तो अब लगता है मैं अपनी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। उम्मीद की रेत को जितनी जोर से पकड़ता हूं उतनी ही तेजी से वो हाथ से निकल जाती है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। वीर जी, धीरज रखो, अमृता जय के साथ ही है और सही सलामत है। जय बहुत ही गुड लड़का है, मैंने उसके दोस्तों को फोन लगाया। घंटी जारी लगता है, कहीं बाहर खाने वाने पे गए हुए। कोई नहीं, रात हो गई है, आप यहीं आराम करो, कल सवेरे वाहेगुरु का नाम लेके चलेंगे, सब फतेह होएगी। बस इतनी सी बात पे दुखी हो? अरे इन 5 सालों में मैंने न जाने कितनी नौकरियां बदली होंगी और कितने घर। अरे ये सब तो यहाँ पर चलता ही रहता है। नहीं, मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। जाने कितने सपने लेकर तुम हिंदुस्तान से यहाँ परदेश आए थे, कितनी मेहनत और लगन से अपनी दुनिया सजा रहे थे। मैंने यहाँ अचानक आकर सब खत्म कर दिया। मुझे कोई अधिकार नहीं है सब छीन लेने का। तुमने मुझसे कुछ नहीं छीना। अरे तुमने तो मुझे इतना कुछ दिया है जिसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर। भगवान का बहुत बड़ा वरदान है उन लोगों को जिनके पास कोई अपना होता है, जो उन्हें प्यार करता है, उन्हें चाहता है। फिर कभी अपने दिल में यह ख्याल मत लाना अमृता, हम दोनों एक साथ हैं तो एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे की ताकत है। आओ वीर जी। नहीं सरदार साहब, हो सकता है मेरी खोटी किस्मत के चलते वो यहां भी ना मिले। आप अंदर देख के आ जाओ, मैं यहीं बैठ के ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। ओके। ओए नलको। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। फैक्ट्री नहीं गए अभी तक? नहीं सर, वो हमें लगा कि जॉय बाबा के साथ आपने हम सब को भी निकाल दिया है। ओए बंगाल के लाल चंडे, किसी को नहीं निकाला नौकरी से, जय को भी और तुमको भी, सारे नौकरियों पे कायम हो। किधर गया हो जय? सर अभी कर्पी था जी, थोड़ी देर के लिए बाहर गया। अच्छा, और अमृता? अमृता अमृता ओ सत श्री अकाल ब्राट साहब। सत श्री अकाल बेटा। ओ आज हम अपने अमृता बेटे को ना एक सरप्राइज देने के लिए आए हैं। सरप्राइज? सरप्राइज? हम अपने बेटे को ना जी एक तोहफा देंगे, लेकिन ये तोहफा मैं तेरे को तब दूंगा जब तू अपनी आंखें बंद कर लेगी। गुड। और जब तक मैं ना कहूं आंखें खोलना नहीं जी। ओके। अविर जी, क्या हुआ सरदार साहब? ओ देखो,
दिल में सौ सौ शुक्र मनाऊं, आंसू खुशी के रोक न पाऊं, मांगा था जो मुझे रब ने दिया, उसने सुनी मेरे दिल की दुआ। मैं हार गई बाबूजी। नहीं पुत्र, तू ऐसा मत बोल। हार तो मैं गया हूं जो अपने बेटे की खाल में छुपे शैतान को नहीं पहचान पाया और तुझे उस राक्षस की बलि चढ़ा दिया। ये तो भला हो जाएगा कि तुम सही सलामत हो, लेकिन उस कमीने को उसके किए की सजा मिलेगी। मेहरबानी सरदार साहब। आर यू श्योर वीर जी, आप कर ले जाओगे? सरदार साहब, आप बाप बेटे के मसले में क्यों पड़े? चलो एज यू विश, वाहेगुरु सब गुड करेगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा बाबूजी आए और चले गए और किसी को खबर नहीं कहा गए। जय यहाँ से तो बाहर गए थे कि ब्राड साहब को सीएफ करके आता हूँ, उसके बाद वापस नहीं आए। जय जय मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबूजी कहीं गुस्से में रणदीप के घर ना चले जाए। ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स, ब्रार साहब के साथ गए ना? हाँ। अरे तो उनको फोन करते हैं, उन्हें तो पता होगा कहाँ गए। Hey Ronnie, your father wants to talk to you. चलो फोन दो उनको। हाँ पुत्र। कहाँ चले गए थे डैड? मैंने कहाँ कहाँ आपको नहीं तलाशा। वो सब भूल जा पुत्र, इस वक्त तो एक बाप भटक कर अपनी औलाद के घर आया है। मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए। नहीं पुत्र, तू क्यों तकलीफ करता है, मैं आ जाता हूँ ना तेरे पास। इंडिया जाने के पहले एक बार तुझे देखना चाहता हूँ और तेरे क्लब को भी। सुना तूने बहुत अच्छा काम जमाया है उधर। अरे तू कहेगा 2-4 मिलियन और डाल दूंगा। वाओ डैड, आई मीन बाबूजी, आप फौरन आ जाइए। मैं आता हूँ अभी। ओके डैड। व्हाट डू कॉल दिस, भूला भटका, द ओल्ड मैन इज कमिंग बैक। ओह वाओ, अच्छा है ना तुम्हारे डैडी यहाँ आ रहे हैं। उन्हें अपनी प्यारी बहू तो नहीं मिली, कम से कम अपनी असली बहू से तो मिलेंगे वो। अंदर कोई भी नहीं है। कोई नहीं? हाय डैड, वेलकम डैड। सॉरी मेरी वजह से आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, आखिर तो मैं पहुंच ही गया जहां पहुंचना चाहता था। बहुत अच्छी जगह बनाई है तूने। Who is this old man? Oh, he looks like Indian nobleman. कौन है ये? डैड बहुत थके हुए लग रहे। क्या जरूरत थी उस लड़की के पीछे अपनी जान मुश्किल में डालने की? मैंने तो पहले ही कहा था वो हमारे लायक नहीं है। हाँ बेटे, तुम ठीक कह रहे हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन इस सब में एक बात अच्छी हुई है, जो मेरे दिल में तेरे लिए थोड़ी बहुत गलत फहमी थी वो भी दूर हो। रियली डैड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हे गाइस, यार आने आज नकोडा लॉज में मेरे डैड के नाम पे एक सेलिब्रेशन होगा। गो एंड अरेंज इट फास्ट, गो। यस बॉस। वाओ, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। वेयर इज सिमोन? सिमोन, हे सिमोन। डैड मैं आपको सिमोन से मिलाता हूँ, मैं जब से कनाडा आया हूँ वो मेरी बिजनेस पार्टनर है। मैं जानता हूँ तेरी बिजनेस पार्टनर को, ये वही गलाजत है जिसके साथ मिलकर तूने मेरी फूल जैसी बच्ची को मसल के रख दिया है। ये क्या बोल रहे हो डैड? दलील, धोखेबाज, मुझे तेरी सारी असलियत का पता चल गया है। मैंने तुझे कहा था ना, जसवंत राज मनकोटिया का छित्तर अपने पराये में भेद नहीं करता, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी अमृता की जिंदगी में खोलना चाहा, तूने मेरे पैसे से ये बाप की दुनिया फसाई, तूने मेरा बेटा होकर चरस गांजा और गंदी चीजों का धंधा किया। कंट्रोल योरसेल्फ, मैं तुझे छित्तर मार मार के पुलिस तक लेके जाऊंगा। बिंगो बिंगो बैंग बैंग, तू पुलिस को मार खूब।
नहीं है। तेरी जगह तो सलाखों के पीछे। बहुत लिहाज कर लिया मैंने आपका। अगर आपको सब कुछ पता चली गया है तो आप पुलिस तक नहीं पहुंचेंगे। जैसी तुम लोग यहाँ से जाओ, हम लोग वहां से जाते हैं। चलो मृदा। रॉनी, what's happening? Isn't he your dad? He is, but the old man has gone mad. ये हमें पुलिस में देना चाहता है। Come on! बाबूजी, अगर ये तुम्हारा बाप नहीं होता तो इसे यही शूट कर देती। Anyways, lock him up. बाबूजी, बाबूजी आप ठीक तो है ना? Come on! Asadli, man! You bloody! Follow, follow! Muko chora, Bahadur! Bahadur! I'll kill you! Fast, fast, jaldi karo, Bahadur! Get up, get up! Pakad liya, Bahadur! Stop it, Mr. Mangodia, now! Then nikal liya re! Cool down, Amrita! Enough! I don't know who you are, पर लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। मौत नहीं, मेरी जिंदगी मुझे यहाँ पर लेकर आई है, जिसे तू तबाह और बर्बाद करना चाहता था, मगर किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। हाँ, मंजूर था तेरी किस्मत को कि तू मेरे हाथों से मरे। नहीं, बहाना है तो मेरा खून बहा रणदीप। आज तक तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, आज मुझ पर इतना उपकार कर दो, मुझे जान से मार दो ताकि मैं तुम्हारे और पाप देखने के लिए जिंदा न रहूं। यशवंत राज मनकोटिया, रिश्ते तो मुझे आज कई खत्म करने हैं, पर उम्र के हिसाब से पहले तुझे ही मारूंगा। बाबूजी, रॉनी, तू कहां जाती है? सिमोन, नहीं सिमोन, नहीं सिमोन, रॉनी। सिमोन, ये क्या हो गया सिमोन? सिमोन, यू नाउ यू सी अमृता, यू आर द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। यू आर डेड अमृता, यू आर डेड। यू All you say can be used as evidence against you from now onwards. Why did you do it? Sergeant, be kind to him. The dead man is his own son. ये सब क्या हो गया वीर जी? सरदार साहब, गुरुओं ने कहा है, मंदी कमी नानका जद कद मंदा होए। अच्छाई को बुराई से अलग करने के लिए अपने पराए का फर्क नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कृष्ण कंस को अर्जुन अपने पितामह को कैसे मार पाते? मैंने एक पापी पर गोली चलाई है। He's dead. We have been tracking his criminal activities for long. He's an innocent man, Sergeant. He's a very noble man. Yes, I saw how he acted in defense of this girl. If not him, we would have killed this man. I'll see to it that the law is soft on this gentleman. Please come with us. The accused man, Mr. Yashwant Raj Mankodia, has done a service for society by eliminating a criminal. Therefore, the Crown Court of Canada acquits this man with honor and allows him to walk a free man. Babuji, ruk jaye na. Sab log ek sath rahenge na? Nahi bete. Ek baar pehle main galti kar chuka hu. Apne swarth mein ise bandh diya tha maine. Nahi babuji. Iska kanyadan karte samay ek baat bhul gaya tha.
उसके दान की हुई चीज को अगर देने वाला अपने ही घर में रखे तो उसे पाप ही लगता है। मैं अपने किए की सजा भुगत चुका हूँ। ऐसे ना कहें बाबूजी। नहीं पुत्र, वो बाप ही क्या जो अपनी बेटी का भला न सोच पाए। कुछ मुझे अब चलना चाहिए। गुड बाय सर। अच्छा बेटे, चलता हूँ अब। बाय सर। बाय बाय बेटे। दुखी रहो। अच्छा वीर जी, चंगा जी, बोन वाइज, बाय। लड़की ओ भोली भाली, जादू कर जाने वाली, मुझको जगाए सारी रात, छुप के इशारे से वो मारे लश्कारे से वो माने ना कोई मेरी बात, मुझको जगाए सारी रात। ओ या मनु प्यार होया शावा शावा, दिल बेकरार होया शावा शावा, होया मनु प्यार होया शावा शावा, दिल बेकरार होया शावा शावा, नजर झुका के पास में आके कैसा दर्द जगाया, ओ जीना दुश्वार होया शावा शावा, कैसा ये खुमार होया शावा शावा, मेरे सपनों में आए ओ मेरा चैन चुराए, ना बोले फिर भी सब कुछ कह जाए, हंस हंस के यार वो बार बार बेताबी मेरी बढ़ाए। लड़ गई लड़ गई अख लड़ गई कुड़ी दिनाल, हाय